पिछले 2 वर्षों के दौरान देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैशटैग मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने को कहा। 6 लाख गांव में अमृत कलश यात्राएं निकाली गई और देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की गई। आज आप जो भीड़ देख रहे हैं वह इस मिट्टी को सलाम कर रही है और हैशटैग आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। कल प्रधानमंत्री माई भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले 2 वर्षों में मनाया। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए कहा और देश के 6 लाख गाँव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और मैं ये कहूंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन करके विकसित भारत देश करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी इन सबको संबोधन भी करेंगे और आज आप मेरे पीछे देखेंगे एक बड़ा सारा कलश नजर आता है तो उस कलश में देश भर के हजारों ब्लॉकों से आई हुई मिट्टी को और 6 लाख से गांव से आई हुई मिट्टी को रखा जा रहा है। देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और ये साफ नजर आता है तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और नागालैंड से लेकर हमारे गुजरात तक, कहीं पर कोई कमी नहीं। हर क्षेत्र से भारी संख्या में युवा हैं और जोश देख रहे, तपती धूप में भी ये युवा, इनका जोश कोई कम नहीं कर पा रहा है और हाथों में तिरंगा लिए, ये तिरंगे की ताकत है कि ये तिरंगे की शान आन बान शान के लिए युवा कहीं से भी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। कल माई भारत प्लेटफॉर्म को भी नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे, मेरा युवा भारत, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल और डिजिटल दोनों होगा और देश के करोड़ों युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका हो, एक दूसरे को पहचानने का और अपना राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर युवा सरकारी और गैर सरकारी उन क्षेत्रों से जुड़ पाएंगे और अपना योगदान दे पाएंगे।